बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNN HD न्यूज़ और मैं हूं अदनान अकबर। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से हमें फ़हीम अकरम। जी फ़हीम, लाहौर में मोरखा 8 नवंबर को हातिम चौक में बड़ी तकपुरवकार महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकद हुई। इस महफिल पाक में बड़े वालेहाना अंदाज में आशकान रसूल ने शिरकत की और अपने हुब्बे रसूल होने का सबूत दिया। इस रूहानी महफिल पाक में सरकार मदीना की वालेहाना अकीदत का इजहार किया गया और बड़े अच्छे अंदाज में महफिल पाक का इनकार किया गया। इस रूहानी महफिल की सदारत के फ़राइज रहब शरीयत वली कामिल पीर सैयद अहमद हसन शाह गिलानी साहब ने सर अंजाम दिए और नात ख्वां हजरात ने भी अपनी भरपूर अकीदत का इजहार किया। महफिल पाक के अख्ताम पर पीर साहब ने खसूसी दुआएं की। नियाज अहमद की तरफ से महफिल मिलाद का अजर व सवाब और अहल खाना और अहल हलका अहबाब को इस महफिल मिलाद में शिरकत करके अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। नियाज भाई की तरफ से तमाम शुरका के लिए खसूसी और वसी लंगर का इंतज़ाम किया गया। तमाम आशिक रसूल ने महफिल पाक में बढ़ चढ़ कर शराकत की। पीर साहब के साथ मरीदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। यह महफिल मिलाद एक हकीकी और रूहानी महफल थी। हक दी बोली बोल फरीदा, तू सच दी बोली बोल, हक दी बोली बोल, हक दी बोली बोल फरीदा, तू सच। बड़े आसान लफ्ज़ है, मिलके पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। पढ़ो, हक दी बोली बोल फरीदा, इमाना के नेकों में मेरा नाम नहीं। बैठा कुल्ली बड़ी सजाई बैठा, आओ आका दे दर ते चलिए, आओ आका दे दर ते चलिए, नाल आका तो लाग लवी लवी लवी, आओ आका आस मदनी दिलाई बैठा, मैं ते आस मदनी दिलाई बैठा। तो की बड़ा ने का गया उसको नौकरे तो ले सावरा कब ना देते हैं, और टुकड़ न देने मोहम्मद बख्शा एक कामिल पीर जिना दे लैओ यार हवाले रब दे ऐ मेले निचार दिना दे सुरमाए ਸਾਨੂੰ ਖਾਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਗੁਨਾ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਾਏ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਾਇਤ ਪੇਲਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸੁਹਾਣੀ ਘੜੀ ਚਮਕਾ ਤੈ बाका चांद उस दिन अफरो ऐसा हथ पीला खो सला फात या रसूल अल्लाह शफात या रसूल हाजरी कबूल फरमा।